यूं धुआं छोड़कर सांस की बीमारी मोल लेनी है क्या? चिंता की क्या बात है, इतना पैसा है, बाप डॉक्टर और तुम जैसा साथ देने वाला पति। सुनो, तुम्हें कसकर पकड़ने को जी चाहता है। कोबरा स्प्रे की खुशबू, आज ऑफिस में किसको गले लगाया? शरण, अंजू, तारा, फिर अर्पिता, तुम्हारी बॉस। अगर वो है तो उससे कहो कि स्प्रे चेंज कर ले, मुझे ये खुशबू पसंद नहीं आई। इसे खा सकते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। अरे थोड़ा रुक जाओ, अभी तैयार करता हूँ, दो मिनट में। आ गया तुम्हारा बेकार दोस्त, वही बेंजामिन होगा, तुम्हें दारू पिलाने ले जाने आया होगा। अरे बेंजामिन चला गया, चलो हम लोग बाहर जाकर खाते हैं, चलोगे? हाँ आ रहा हूँ। दो चाय और एक सिगरेट। ये दो चाय दे, पीने के बाद अंदर चलते हैं। ये लीजिए। व्यापार कैसा चल रहा है? अरे जल्दी कर यार, उसने फोन किया था लेकिन तुमने नहीं उठाया। नहीं क्यों? तुम्हारा पुराना दोस्त है, तुमसे कुछ कहना चाहता होगा। मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। आप दोनों दोस्त हैं ना? सिर्फ दोस्त ही नहीं, पति पत्नी भी हैं हम। इसीलिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उन्हें बकने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चाय में शक्कर चाहिए? रॉय, इधर आ। अच्छा पकड़ी गई ना? पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना है, पता नहीं है? सिगरेट इसने खरीद कर दी थी सर। आप लोग यहाँ घूमने आए हैं? नहीं सर, हम यहाँ खाना खाने के लिए आए। आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं क्या? हाँ सर। आपको सबूत दिखाने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए। क्या जमाना आ गया है, पति खुद सिगरेट लेकर बीवी को पीने के लिए दे रहा है। तो क्या कोई और खरीद कर देगा पीने के लिए? फाइन भरना पड़ेगा। वो भर देंगे, दे दो। अभी भी सिगरेट फेंकने का मन नहीं कर रहा है ना? आपने फाइन लगा दिया ना सर, खत्म कर लेती हूँ। वैसे आप लोग हो कहाँ के? आईएनडी आइए। कोची सर। ओ मतलब मिलिट्री वाला, सुनेगा थोड़े ही किसी का। इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा है, बात तो कर लो ना। अब वो क्या बात करेगा, बेवजह परेशान करेगा। उसने मैसेज भेजा है, संडे आने को कह रहा है, वो मना कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आने दो उसे, सुन लेते हैं क्या कहना चाहता है वो। Thank you.
रॉय बाहर आओगे जरा, कुछ जरूरी बात करनी है। ओके। सुनो, तुम जाकर खाना लगाओ, हमें अभी आते हैं। तुम जाओ ना, जाओ जाओ। मैं तुमसे कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। जॉन की दुबई में मेरे साथ थी, ये तो तुम जानते ही हो। मैं पहले से ही उसे बहुत पसंद करता था। अचानक वो इंडिया आ गई और आप दोनों की शादी हो गई। वो मुझे वापस चाहिए। तुम दोनों 3 महीने एक साथ रहे, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, प्लीज। 3 महीने का ही साथ, बहुत बढ़िया डायलॉग है। जिस लड़की के साथ तुम इतने सालों तक रहे, तुम उसके दिल को समझ नहीं पाए। उसे खोने के बाद जब किसी के साथ उसकी शादी हो गई, तब उसको वापस लेने आ गए हो दुबई से आशिक। 3 साल लगे उसको ले जाने के लिए यहां आने में। ये सब जानने के बाद ही मैंने उससे शादी की। सुनो रॉनी, इसे कहते हैं कमाल का डायलॉग।